कुकिंग का क्लास में हम लोग तीन आइटम आपको दिखाने वाले हैं। क्या क्या तीन आइटम दिखाएंगे? एक दिखाएंगे मिक्स वेजिटेबल। मिक्स वेजिटेबल क्यों? कोई भाई एक सब्जी बनाएंगे तो हम सबको मिला के बना देते हैं। मेन है ग्रेवी। ग्रेवी मतलब मसाला, मसाला जो तड़का बोलते हैं, जो भूनने के बाद सीजनिंग के बाद जो मसाला बनता है वो कैसे बनेगा। चलिए उसके लिए पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या सामान जरूरत है हम लोग को। मेरे को लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब आप जो जीरो ऑयल का खाना बनाना सिखाएंगे इसका मसाला क्या दिल्ली से मंगाना होगा क्या? इसका मसाला सबके घर पे मिलेगा और मैं एक एक करके आपको सारा मसाला दिखाना चाहता हूं। देखिए आपके पास क्या क्या मसाला होता है, आपके सबके घर पे मिलेगा। देखिए तो क्या क्या मसाला है, ये क्या है, ये क्या चीज है, देखिए तो हलूद हल्दी, और ये क्या है लाल मिर्ची, और ये क्या है धनिया पाउडर, और ये क्या है नमक, और ये क्या है गरम मसाला, और ये है जीरा। ये छह आइटम आपके घर पे है, सबके घर में है। इसके संग और क्या क्या चाहिए सोचिए तो, ये क्या है प्याज, चॉप्ड प्याज है, और ये पेस्ट किया हुआ प्याज है। इसके बाद टमाटर, टमाटर का पेस्ट, और इधर देखिए ये लहसुन, लहसुन का पेस्ट, और ये मिर्ची का, मिर्ची पिसा हुआ, मिर्ची बाटा, और ये अदरक, अदरक का पिसा हुआ। इतना आइटम आपके घर पे है, यही चाहिए ना आपको खाने के लिए, बनाने के लिए। अब वेजिटेबल क्या चाहिए, ये देखिए मैंने मिक्स वेजिटेबल रखा है। मिक्स वेजिटेबल में क्या क्या बोलिए तो, देखिए पीज है, पीज हो गया, मटर हरा मटर है, इसमें बेबी कॉर्न है, इसमें आलू है, इसमें गाजर है, और इसमें गोभी कैप्सिकम है। इतना सारा मिला के, अच्छा ये आपके पास काट के रखा होगा, हमने इसको बॉयल भी किया है, पर आप बॉयल नहीं करेंगे। क्यों बॉयल नहीं करेंगे? मैंने बॉयल इसलिए किया कि मेरे को टाइम बच जाएगा, जब ग्रेवी बन जाएगा इसमें सब्जी डालेंगे इमीडिएट तैयार हो जाएगा। पर आप बॉयल नहीं करेंगे, आप अपने पास काट के रखेंगे। आप जब इसमें ग्रेवी बन जाएगा उसमें सारा सामान डाल के फिर उसको पानी डाल के ऊपर से ढक के 15 मिनट रखेंगे तो वो पक जाएगा, बॉयल होगा। हमने पहले से बॉयल कर लिया कि टाइम वेस्टेज ना हो। ये सारा आइटम आपके पास है, और ये क्या चीज है, नॉन स्टिक पैन। नॉन स्टिक पैन सबसे बढ़िया है, किंतु अगर नॉन स्टिक ना हो तो नॉर्मल कढ़ाई में भी काम हो सकता है। नॉन स्टिक का आपको मालूम है ना केयर क्या होता है? नॉन स्टिक का एक केयर है कि इसको आपको नहीं, इसको धोते बखत वो झामा से नहीं घसना है, वो जाली से नहीं घसना है, इसमें स्पंज से घसना होगा। स्पंज और सर्फ लेके ऐसे हिला देंगे, हो जाएगा काम। और इसके संग कौन सा चम्मच यूज होगा? लकड़ी का चम्मच, वुडन स्पैचुला, इसको यूज करना होगा, ठीक है। और इसके संग और एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, उसको हमने बताया नहीं, वो क्या है? ऑयल। कौन सी वाली? अपनी वाली। पानी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? सावल ऑयल। ये पानी का नाम हमने बदल दिया है और इसका दाम रखा है 600 रुपए किलो। तो इतना सारा चीज सब है आपके पास। अच्छा इसमें तेज पत्ता भी है, तेज पत्ता भी है इसमें अपने पास, अमचूर उमचूर भी यूज कर सकते हैं। सो यू've गॉट एवरीथिंग विद अस, ठीक है, शुरू करें। तो पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं घर पे, इसमें घी डालते हैं। हम लोग घी नहीं डालेंगे। पहला काम क्या कर सकते हैं हम लोग? नहीं, सावल ऑयल नहीं डालेंगे हम लोग। पहले जीरा को भून लेंगे डायरेक्टली। जीरा भून जाएगा आपको कैसे पता चलेगा बोलिए तो, क्या होगा? ये क्रैकल करेगा, क्रैकल करेगा, समझते हैं, चटकेगा, और ये ब्राउन होने लगेगा, और इसमें खुशबू आने लगेगा, धुआं आने लगेगा, तो समझ जाइए ये। तो हम लोग अभी इसको भून रहे हैं, और इसके इसका भून ले। अच्छा इसमें आप वो भी डाल सकते हैं इस वक्त, क्या, तेज पत्ता, इसमें करी पत्ता भी डाल सकते हैं, और इसमें इस वक्त हींग को पानी में घोल के रख लीजिए, या तो इसके बाद स्टेज में, या कच्चा पाउडर डालना है तो इसमें भी डाला जा सकता है। तो आपको जो डालना है, हमको खाली तेल छोड़ के हर चीज अलाउड है। अब इसमें क्या डालूं मैं? प्याज, प्याज का पेस्ट, और ये देखिए और प्याज भी डाल देता हूं।
अच्छा, प्याज का जो पानी है वो यूज खत्म हो जाएगा थोड़े दिन में, खत्म होगा जब ये भूनना। देखिए भूनने का क्या मतलब है, टेम्परेचर ज्यादा करो पर जलने मत दो। टेम्परेचर ज्यादा करो, गर्म से भूनेगा किंतु जल गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा, जलने भी नहीं दो। और तो जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा कब, जिसका पानी खत्म होता जाएगा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जब चिपकने लगेगा तो एक चम्मच पानी देके फिर टेम्परेचर कम कर देंगे। तो ये चलता जाएगा पर भूनते रहना होगा, गर्म चलता जाएगा वो। लोग मुझे पूछते हैं, डॉक्टर साहब आपने ये कुकिंग कहां से सीखा? मैं आपको बताऊं, मैंने जिंदगी में कभी कुकिंग देखा ही नहीं था। क्यों नहीं देखा था? और ये मेरे लिए सबसे बढ़िया बात हुआ। क्यों बढ़िया बात हुआ? मेरा माइंड सेट नहीं हुआ था। हमारे घर पे, मैं आपको बता दूं, हमारे घर पे 20-25 लोगों का खाना बनता था, और लेडीज लोग डिपार्टमेंट होता था किचन के अंदर, जेंट्स लोग को भी कोई एंट्री नहीं करता था, हम लोग भी नहीं जाते थे। पर ये बात मेरे को मालूम था, मेरे फादर मेरे मदर को बोलते थे कि आज ना मेरे घर पे, हमारे घर पे वो आ रहे हैं रिलेटिव, उनको ब्लड प्रेशर है, तो आज कोई भी चीज में नमक नहीं डालना। उस दिन नमक नहीं होता था, बोला नमक क्यों नहीं है, बोला नहीं उनके लिए ब्लड प्रेशर है इसलिए नमक नहीं डाल, तुम डाल लो। फिर एक दिन बोलते थे डायबिटीज वाले हैं, इसमें कोई भी जगह चीनी नहीं डालना, हर चीज फीका फीका। बोला क्या हो गया, बोला नहीं वो चीनी अलग से डाल सकते हो। फिर एक बार कोई आए, वो बोले क्या हुआ, इनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो ये मिर्ची नहीं डालना आज। तो हमको ये मालूम था कि खाने में जो डालना है डालो, जो नहीं डालना है वो हटा लो, और बाकी सबको मिला के हिला दो गरम कर करके, और सब्जी। इतना मेरे को मालूम था, कब तक, 28 साल की उम्र तक। उसके बाद मेरा शादी हुआ, और शादी के बाद हम लोग दिल्ली रहने लगे। जब हम लोग दोनों एक साथ रहते थे, मैं मेरी वाइफ, तब हमने कुकिंग का थोड़ा बहुत समझना चालू किया। अच्छा, वो भी मैं जानबूझ के नहीं सीखा। वहां पे क्या होता था, जैसे मैं छुट्टी का दिन है, मैं बैठ के किचन में गप कर रहा हूँ, वाइफ खाना बना रही है, किचन में जैसे ही कढ़ाई चढ़ाया उसमें घी डाल दिया। अरे मैंने बोला घी डालने की कोई जरूरत नहीं है, बिना घी का करो। बोलता है जो चीज नहीं मालूम उसमें बात नहीं करना चाहिए। मैंने बोला अच्छा चलो नहीं मालूम, पर घी डालने का क्या जरूरत है, बाकी सब सामान डाल दो, बस एक जो निकालना वही तो निकालने बोल रहा हूँ। बोलते नहीं ऐसे नहीं होता है, घी नहीं डालेंगे तो किसके ऊपर मसाला डालेंगे। अरे मैंने बोला क्या मतलब है, कढ़ाई के ऊपर डालोगे? बोलती कैसे बात कर रहे हो, मतलब कॉमन सेंस का बात कर रहा हूं। अरे घी के ऊपर नहीं, कढ़ाई में डालो। बोलता कढ़ाई में डालेंगे तो चिपक जाएगा, जल जाएगा। मैं बोला नहीं जलेगा, डालो। डाल के जलने लगा तो मैंने थोड़ा पानी डाला और नहीं जला, फिर जलने लगा तब तक पानी डाल दिया। आपको समझ आ रहा है कैसे कंसेप्ट डेवलप हुआ? तो चीज, मेरा दिमाग कभी नहीं मानता था कि तेल छोड़ के मसाला नहीं बनाया जा सकता है, मेरे को क्या मालूम क्या होता है, बट जब कंसेप्ट समझ आया उस दिन मेरा दिमाग खुला। अच्छा, आपके दिमाग में क्यों नहीं आ सकता है, सोच सकते हैं? जिंदगी भर वही देखा है, तेल डालो उसी में मसाला डालो। अब देखिए भूनने लग गया है, अब इसमें धीरे धीरे सारे सामान डाल रहा हूं। हाँ, अभी लहसुन और अदरक डाल देते हैं। अदरक और लहसुन दोनों डाल दिया हमने। अच्छा एक बात याद रखिए, जब ये चिपकने लगे तो क्या करना होगा, हम लोग को पानी नहीं तेल डालना है। कौन सा वाला? सावल ऑयल। जब चिपकने लगे तो थोड़ा सारा, अब अपना ऑयल काम में आ गया। अब इसमें क्या क्या डालूं मैं? नमक और हल्दी डाला, और लाल मिर्च कम डालता हूं क्योंकि उधर से भी डालेंगे, ये हरा मिर्च का भी वो डाल रहा हूं पेस्ट। तो अब वो धनिया भी डालना बाकी है, ये गरम मसाला लास्ट के लिए रखेंगे। अभी इसको भूनते जाए और चिपकने लगे तो अपना ऑयल, जलने मत देना है बस। ये ऑयल में कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है, ट्राइग्लिसराइड भी नहीं है, सो यू कैन ऐड एज मच। अच्छा आप देखिए, मसाला करीब करीब ये भून गया, अभी क्या दूं इसमें? ये क्या है? टमाटर, और इसमें कटा हुआ भी टमाटर डाल सकते हैं। देखिए ये खाली पिसा हुआ भी नहीं, कटा हुआ भी डाल सकता है। मैंने दोनों डाला कि कोई भी आप डाल सकते हो, ठीक है? थोड़ा सा और नमक डाल देते हैं इसमें, नमक कम पड़ जाएगा। ये ग्रेवी आपको कुछ समझ आ रहा है? कोई भी आइटम अभी बाकी नहीं है, पर इसमें अभी
टेस्ट करीब करीब आपको क्या लगता है, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अच्छा, मसाला भुना हुआ नहीं होगा, कच्चा मसाला का स्वाद बहुत खराब होता है, कच्चा नहीं होना चाहिए, मसाला अच्छे से भाज जाना चाहिए, अच्छे से रोस्ट हो जाना चाहिए। ये हम लोग इसको मसाले को भी भून रहे हैं उसमें। अच्छा, इसको हिलाते रहना होगा थोड़ा। आप जो नॉर्मल खाना में बनाते हैं ना, चला के वो तेल डाला उसमें सब मसाला डाल के इधर उधर सब्जी काटने में लग गए, ये नहीं कर सकते इसमें। पर इसका एक ग्रेवी को ना फ्रिज में बना के रख सकते, फ्रिज में बना के रख दिया, जब इच्छा हुआ दो चम्मच लिया, पानी घोला और सब्जी तैयार। और वैरायटीज आप कितना चाहो उतना बन सकता है, वैरायटीज तो कोई एंड ही नहीं है, हर सब्जी बन सकता है। आपको हमने तीन दिन में कितना सब्जी खिला दिया, हर का ग्रेवी आपने खा के देखा है एकदम कितना स्वाद हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मसाला है, नमक है, मिर्ची है, हर चीज है, खाली तेल नहीं है। तो तेल नहीं है तो आपको क्या फर्क पड़ता है, आपको तो टेस्ट से मतलब है। सूखी सब्जी भी ऐसे ही बनेगा, इसमें ग्रेवी कम बनाइएगा, मेनली सूखा सब्जी। कोई ने मेरे को पूछा था भिंडी कैसे बनेगा, भिंडी, भिंडी मैं आपको बता दूं, ऐसे ही मसाला बन गया ना। अब भिंडी को काट काट के उसके अंदर मसाला घुसा दीजिए। अब क्या कीजिए, एक एक पैन में, एक पैन में क्या लेना है, पानी, पतला लेयर पानी, उसमें सब भिंडी सजा दीजिए और भिंडी को ऊपर से बंद करके रख दीजिए, स्टीम में वो भिंडी पक जाएगा। अब ग्रेवी ऊपर से और डाल दीजिए और थोड़ा धीरे धीरे हिला लीजिए, सब बन गया आपका। अब बॉयल, एक साथ पानी डाल दिया तब तो बॉयल ही बॉयल रहेगा, उसमें रोस्ट नहीं होगा। रोस्ट के लिए टेम्परेचर हाई चाहिए और टेम्परेचर जब तक हाई नहीं हो तब तक काम नहीं होगा। तो इसका पानी रहेगा जब तक टेम्परेचर हाई नहीं होगा, बहुत ज्यादा हाई होने लगे तब थोड़ा पानी डालना है, जब चिपकने लगे। हम लोग बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आजकल, नया नया आइटम जितना तरह से बन सकता है हर तरह से बनाने का कोशिश करते हैं। लूची विदाउट ऑयल, गोलगप्पा, समझ रहे, गोलगप्पा, फुचका, फुचका विदाउट ऑयल। अब ये देखिए करीब करीब ये भून रहा है, अब इसका पानी करीब करीब खत्म हुआ है और अब इसका ज्यादा, अभी जो भूनने वाला काम है अब हो रहा है इसका ज्यादा, जब तक उसमें पानी रहेगा भूनेगा नहीं। ये मसाला करीब करीब इसका हो चुका, अब इसमें क्या डालूं? नहीं, सावल ऑयल। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूं मालूम है, ये जो ग्रेवी बन गया है ना, इसको मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूं। ये दिख रहा है, इसमें तेल छोड़ रहा है, ये घी छोड़ रहा है, दिख रहा है आपको? ये देखिए तेल घी छोड़ रहा है, दिख रहा है आपको? अब आके लेडीज लोग एक एक करके देख के चले जाएं, देखिए तो ग्रेवी कैसा कलर दिख रहा है। लग रहा है तेल छूट गया, ठीक है। बिना प्याज का भी बता दूं, प्याज नहीं डालो, पहले टमाटर डाल लो, उसी में सारे मसाले डाल के भूनते रहो। अब देखिए इसमें क्या डाल रहा हूं मैं, अब डाल रहा हूं इसमें गरम मसाला और इसमें धनिया पत्ता और इसमें ये सब्जी का कलर, कोई नहीं बोल सकता बिना तेल का है। आप ये कलर अब देखेंगे, इतना सुंदर कलर दिख रहा है और एकदम विदाउट ऑयल, और आप खा ही रहे तीन दिन से। क्यों बना? क्योंकि मैंने इसमें तेल नहीं डाला पर मसाले को अच्छे से भून लिया। प्याज वाज, अच्छा जो प्याज नहीं डालता है वो टमाटर डाल के प्याज टमाटर से कर लें, जो प्याज टमाटर दोनों नहीं डालना चाहता, आलू को पीस के उसको डाल के उसमें मसाला डाल के उसको भून लीजिए। मतलब कोई भी चीज थोड़ा सा रहेगा उसमें मसाला डालिए, मसाले के साथ भून लीजिए। काजू, काजू डाल सकते हैं क्या? काजू नहीं डाल सकते, इसका तो बहुत मुश्किल है। चलिए अब करीब करीब सब्जी तैयार है, अब हम क्या चाहते हैं कि आप इसको टेस्ट करो। आप लोग प्लीज सबको टेस्ट कर लीजिएगा, सबको खिला देना। हाँ, अच्छा सब्जी कैसा बना है ये बताइए। चलिए अब समझते हैं पकौड़ा क्या है, पकौड़ा विदाउट ऑयल।
इसमें पानी डाला है, सावल ऑयल, इसमें पानी है, ये देखिए ये क्या है, बेसन। बेसन में क्या क्या डालना होगा, देखिए पहले डालूं इसमें नमक, बैटर, बैटर आप बनाते हैं ना, नमक, लाल मिर्च, प्याज, गरम मसाला और थोड़ा सा जीरा, थोड़ा निकाल लो चाहे तो, आधा, और थोड़ा सारा लहसुन, हरा मिर्च, हरा मिर्च और धनिया, ये क्या है, धनिया, और ये क्या, सावल ऑयल। ये बैटर आपके घर में ऐसे ही बनता है ना, अच्छा ये बैटर को हमको डालना कहां पे, ये मालूम है क्या चीज है, इडली का संचा, इसको बटन इडली स्टैंड बोलते हैं। अब इसमें एक एक करके सारा पकोड़ा डालेंगे, हाँ इसमें खाने का सोडा थोड़ा सा डालना है, ये देखिए खाने का सोडा है, और ये बहुत मामूली सा, ये देखिए इतना सा, आप नहीं तो दही डाल सकते हैं, इनो डाल सकते हैं, और नहीं तो दही डाल के थोड़ा सा अच्छे से बीट कर लीजिए, बस उसका अच्छा सा बन जाएगा वो घोल, ऑयल थोड़ा और, ये देखिए दिख गया आपको कैसे बन रहा है, दिख रहा है, इसका थोड़ा नमक देख लो, थोड़ा सा और नमक, थोड़ा सा मिर्ची, अच्छा अब इसमें, अच्छा इसमें इसमें क्या करना है, एक एक डालना है, पर इसमें घी नहीं लगाना है, इसको इसको इसमें गरम करना है, गरम होगा और ये सूखा होगा तो इसमें चिपकेगा नहीं, इसमें पानी रख दिया और ठंडा है तो इसमें चिपक जाएगा, निकालते वक्त बहुत मुश्किल होगा, इसमें पानी है अंदर, अभी पानी में इसको स्टीम में थोड़ा गरम कर ले रहे हैं, गरम करके इसमें निकाल के सब इसमें डाल देंगे एक एक ठो, और उसको स्टीम से इडली पकाते, देखा इडली को बनाते वक्त, जब ये बन जाएगा तो इसमें कांटा घुसा के देखना है कि हो गया, या जब हो गया इसको निकाल के अब इसको बाहर से सेकना होगा, अंदर से तो पक गया पकौड़ा, अंदर से देखा है कैसा हो गया, ऐसा हो जाएगा, अब बाहर से इसको हार्ड बनाना होगा, कैसे करेंगे, ओवन में, ओवन में ले जाके ऊपर से गर्म, नीचे से बहुत आंच में गर्म करना होगा, या तो आप एक काम कर सकते हैं, आप फ्राई पैन में कर लीजिए, और नहीं तो आप आगे के जमाने में वो करते थे ब्रेड सेकते थे, जाली था देखा है, वैसे जाली में रख के आंच में रख लीजिए, एक बार उल्टा करके एक बार सीधा करके, तो आपको पूरा उसमें वो एकदम ऊपर से हार्ड हो जाएगा। नाउ द पकौड़ा इज रेडी। माइक्रोवेव में नहीं, इसमें चाहिए आपको ओटीजी, ओवन चाहिए, ओवन सेकना होगा उसको। ये देखिए अब इसमें एक एक करके, भाई लेडीज लोग हेल्प करिए इसमें डालने के लिए, कौन देगा, इसमें एकदम आधा इंच, अब इसको इसमें ढक दिया, अब इसको 5-7 मिनट तक ये स्टीम में भाप से पक जाएगा, इसको उसमें प्रेशर कुकर में भी डाल के कर सकते हैं, पर सीटी खोल दीजिएगा, जो जो धुआं ज्यादा होगा वो निकलता जाएगा। अब